बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास 10th क्लास की है, जिसमें नेक्स्ट आने वाले जो क्वेश्चंस हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के, आज मैंने आपको वो सॉल्व करने सिखाने हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथ स्टडी चैनल को यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मैथ की लेटेस्ट लेक्चर्स वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे है वैसे लिख लेनी है, उसके बाद जो नीचे फैक्टर जो भी पॉलीनोमियल है नीचे आपके पास वो आपने वैसे का वैसे, लेकिन सब्ट्रैक्शन उसके लगा के लिख लेना है। सब्ट्रैक्शन जब लगाएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी लेफ्ट साइड के कॉम्पोनेंट लग गया, अब आप राइट साइड के कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेड बाय थ्योरम के मुताबिक 4+5 और 4-5 लिख सकते हैं। तो अभी मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट जो है ये प्लस वैल्यू इस माइनस वैल्यू से खत्म हो जाएगी, ये माइनस वैल्यू इस प्लस वैल्यू से कैंसिल की जा सकती है। तो अभी मेरे पास एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से बटे में भी माइनस में मेरे पास 2 आ जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर मेरे पास 9/-1 बच जाएगा। तो 2 से खत्म कर दे, माइनस माइनस से खत्म कर दे, मेरे पास बाकी बचेगा एक्स प्लस 3/(x-5), और इसको मैं होल स्केयर भी बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो स्केयर एक सिंगल स्केयर में लिखी जा सकती है, सिंगल स्केयर में भी लिखी जा सकती है, सिंगल रूट में भी लिखी जा सकती है अगर रूट में आ जाए तो। अभी मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है मैंने इसमें x और x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो स्केयर खत्म करने के लिए हम लेते होते हैं रूट, तो हम दोनों तरफ इसका ले लेंगे रूट। तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, और राइट साइड वैल्यू आपको पता है रूट में जो है वो प्लस माइनस में चली जाती है, इस तरह से ये रूट खत्म हो गया एक्स प्लस 3/(x-5) और प्लस माइनस 3 रह गया। अभी देखिए एक दफा प्लस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरी दफा इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। हम ये प्लस वाली वैल्यू लिख ली मैंने, और इसके साथ ही माइनस वाली वैल्यू भी मैं ऐसे लिख लूंगा जी। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, उसी के रैंडम क्वेश्चन आगे, तो एक्स प्लस 3 और ये जो एक्स माइनस 5 है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 x-15 रह जाएगा। अब आप एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, इनके 3x अपनी जगह पे है तो ये माइनस का x उधर जाएगा, अगर 3 अपनी जगह पे है तो 15 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बाकी रहेगा 2x+18 एंड x=18/2, इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमने एक एक्स कैलकुलेट कर दिया है। अभी दूसरा एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे वही प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, कि बटे में वैल्यू है वो दूसरे में ले जाते हैं, एक्स प्लस 3 ये -3x और ये प्लस का 15 बनेगा, तो एक्स वाली वैल्यू एक तरफ ये 3x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 और ये -3 उधर चला जाएगा, तो ये 4x और यहाँ पे रह गए 12, तो x बराबर आ गया 12/4 और यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। तो इस तरह से आप इसका एसएस बना सकते हो कि आपके पास 3 है और 9 है। तो ये था आसान सा क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेड थ्योरम, आपने किसी वैल्यू पे कैसे